डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्री मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी बायोलॉजी। एनसीईआरटी बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं, कुछ ऐसे सीरीज हैं जिन्हें याद करने में मेरे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है। एग्जाम में वो भूल जाते हैं और उस कारण से गलतियां कर बैठते हैं। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हम लेकर आए हैं एक मेमोरी सीरीज ऑन द एनसीईआरटी बुक्स। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस रिम्स रांची, और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा मेमोरी ट्रिक है वो बेस्ड है एनसीईआरटी 12 के बायोलॉजी बुक से, पेज नंबर 174। आप देखेंगे कि उसमें एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में लिखे हुए हैं कुछ क्रॉप्स के नाम, विच आर डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड क्रॉप्स। आपको इसमें क्रॉप का नाम, उसकी वैरायटी और वो किस डिजीज से रेजिस्टेंस है, इसके बारे में याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आने का बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। आज का जो हमारा ट्रिक है वो किसी तरह का निमोनिक नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है। आप जितना अच्छा इमेजिन कर सकेंगे उतना अच्छा इस ट्रिक को याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं वीट, वैरायटी है उसकी हिमगिरी और डिजीज है उसका हिलबर्ट। तो देखिए मैं इसको कैसे इमेजिन करता हूं। सबसे पहला, व्हेन यू सी वीट, अगर आप यहां से डब्ल्यू को हटा दे तो लेटर बचता है हीट। आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हीट इज एवरीवेयर। आप खुद सोचिए, अगर इस हीट गर्मी के मौसम में स्नोफॉल हो जाए, स्नोफॉल हिंदी में बोलते हैं हिमपात, अगर एक हिमपात हो जाए तो कितना मजा आ जाए, कितना सुकून मिल जाए, ठंडा ठंडा कूल कूल। सो स्टूडेंट्स, हीट में अगर हिमपात, दैट इज द हिमगिरी, अगर हिमपात हो जाए, नेक्स्ट हम ऐसे सोचेंगे हिमगिरी। हिमगिरी सबको पता है एक हिल का नाम है, हिमगिरी इज अ नेम ऑफ अ हिल। तो ये जो वैरायटी है ये किस डिजीज से रेजिस्टेंट है, तो ये हिल बर्ड से रेजिस्टेंट है। तो आपको कैसे सोचना है, आपको सोचना है वीट इज द हीट, हीट हीट से बचने के लिए आई वॉन्ट स्नोफॉल, स्नोफॉल इज द हिमपात, दैट इज द हिमगिरी, एंड हिमगिरी इज द नेम ऑफ अ हिल। दूसरा हम लेते हैं ब्रासिका। स्टूडेंट, इसको इस तरह से मैं इमेजिन करता हूं, ब्रासिका इज ब्रास। ब्रास आपको सबको समझते हैं, ब्रास हिंदी में हम लोग पीतल बोलते हैं, तो ब्रास इज पीतल। पीतल सोने से मैच करता है देखने में, पीतल सोना नहीं है बट देखने में दोनों ही येलो कलर के मेटल्स हैं, इस कारण से पीतल और सोना देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है। तो जब भी हम देखते हैं ब्रास, ब्रास की जो वैरायटी है वो है पूसा स्वर्णिम, स्वर्णिम इज सोना। तो ब्रास किससे मैच करता है, स्वर्णिम दैट इज द सोना। नाउ आप सोच सकते हैं कि अगर आपका कोई मेटल सोना का बना हुआ है, ऑब्वियस है वो रस्ट से रेजिस्टेंट होगा। अगर वो लोहा का बना होता, एक मेटल होता, तो उसमें रस्ट लग सकता था, लेकिन ये क्या चीज का बना हुआ है, ये सोना का बना हुआ है, इस कारण से इट इज रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट। हमारा जो तीसरा क्रॉप है, कॉलीफ्लावर। स्टूडेंट जस्ट ट्राई टू प्रोनाउंस दिस नेम, कॉलीफ्लावर इज कॉलीफ्लावर। व्हेन यू जस्ट प्रोनाउंस लाइक कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर इज रेजिस्टेंट टू अ डिजीज ब्लैक रॉट। कॉलीफ्लावर दैट इज योर ब्लैक रॉट, काली रॉट, दिस इज योर काली रॉट, दिस इज द कॉलीफ्लावर। तो आप देखते हैं कि आखिर कॉलीफ्लावर का कौन सा वैरायटी इस ब्लैक रॉट, दैट इज द काली रात, रॉट को हम लोग रात बोल सकते हैं, काली रात से रेजिस्टेंट है। सो यहां देखते हैं हम लोग पूसा सुभ्रा। रात का ऑपोजिशन क्या हो सकता है, अगर सुबह हो जाए सुभ्रा। जब इस नाम को हम लोग देखते हैं सुभ्रा, दैट इज को ठीक से बोलेंगे तो सुबह, तो अगर सुबह हो जाएगा तो रात से वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो सेम थिंग यहां पे है, कॉलीफ्लावर
काली फ्लावर इज काली रॉट, ब्लैक रॉट से ये रेजिस्टेंट है, और कौन सी वैरायटी? पूसा सुभ्रा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नाम दिया हुआ है, पूसा स्नोबॉल। इसको हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि जो पूसा स्नोबॉल है ये एक वैरायटी है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज फूल गोभी। अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करने का कोशिश कीजिए कि एक फूल गोभी कैसा होता है। अगर मैं एक बॉल लू और उस बॉल को मैं स्नो से फिल कर देता हूँ, स्नो इज व्हाइट इन कलर, तो आई हैव अ बॉल एंड दैट इज फिल्ड विद स्नो, और जब मैं उसको ऐसे होल्ड करूंगा तो बिल्कुल एक कॉलीफ्लावर के जैसा देखने में लगेगा। तो कॉलीफ्लावर, काली फ्लावर, रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट, काली रात, कौन सी वेराइटी? पूसा सुभ्रा, सुभ्रा इज द सुभ्रा, और कॉलीफ्लावर देखने में किससे मैच करता है? तो एक स्नो के बॉल से, एक बॉल है जो कि फील्ड है स्नो के साथ। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट देखते हैं काउपी, इसका की वेराइटी है पूसा कोमल, और जो कि रेजिस्टेंट है डिजीज से बैक्टीरियल ब्लाइट। अब हम लोग इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, काऊ, काऊ इज अ फीमेल, काऊ एक फीमेल है जिसका की नाम रखा गया है कोमल। तो कोमल कैन बी अ नेम ऑफ अ फीमेल, एक लड़की का नाम हो सकता है, तो काऊ किसका नाम है? पूसा कोमल, तो काऊ पी इज पूसा कोमल। नेक्स्ट वन, इतनी कोमल है, इतनी मुलायम है, क्यों इतनी मुलायम है, इतनी कोमल है? क्योंकि सी इज सो लाइट। अगर हम बैक्टीरियल ब्लाइट में, ब्लाइट में बी को छोड़ देते हैं, ब्लाइट इज लाइट, वो इतनी हल्की है, इतनी कोमल है, कौन इतनी हल्की है? तो ये जो काऊ एक फीमेल है, सी इज सो लाइट, उसका नाम क्या है? कोमल, एंड सी इज रेजिस्टेंट टू बिट डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट। लास्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो है चिली, जिसका की वैरायटी है पूसा सदाबहार, एंड डिजीज है चिली मोजाइक वायरस या टोबैको मोजाइक वायरस। अगर मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पूछते हैं आज का स्पेशल रेसिपी क्या है, तो वहां से जो शेफ निकल के आता है वो बोलता है चिली सदाबहार। तो आप सोच सकते हैं इस तरह से चिली पूसा सदाबहार, तो जो सदाबहार है चिली सदाबहार, तो सदाबहार इज अ वैरायटी ऑफ द क्रॉप चिली। बस यहाँ पे इसको आप खुद से याद कर सकते हैं, चिली मोजाइक वायरस और टोबैको मोजाइक वायरस से ये रेजिस्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।